राजनीति का अपमान कर रही है। आप अरेस्ट कीजिए जो त्रिपुरा में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब कर रही है। त्रिपुरा पुलिस ने क्यों उनको अरेस्ट नहीं किया, क्या जवाब है? ये डेमोक्रेसी है त्रिपुरा में? हमने नाम दिया है अमतोली बाजार में जिन्होंने अटैक किया है, हमने वीडियो दिया है। अपर्णा बिस्वास जी के घर में सीसीटीवी कैमरा है। ये बीजेपी के गुंडों को बाइक बाहिनी ओपन मोटरसाइकिल में आके लोगों को पीट रही है, ये पुलिस क्यों चुप है? आपने संविधान का शपथ लिया था, लोगों की सुरक्षा का शपथ लिया था, आपने क्या मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को प्रोटेक्शन देने का शपथ लिया था? ये वर्दी आपकी तनख्वाह त्रिपुरा की जनता देती है, विप्लव देव नहीं देता है। शर्म आनी चाहिए आपको, त्रिपुरा पुलिस को। यहाँ हमारे लिए तैनात है, यहाँ हमारे लिए तैनात है। इनके सामने, त्रिपुरा पुलिस के सामने लोगों को मारा जा रहा है, ये चुप है? ये कैसी पुलिस है? ये केस क्या चल रहा है त्रिपुरा प्रदेश में? तृणमूल कांग्रेस ये आज कहती है हम डीजी को जवाब देना पड़ेगा। ये वो डीजी है जो मुख्यमंत्री के लिए दरवाजा खोलते हैं, ये वही डीजी है, मैंने देखा है वीडियो। तो इस डीजी से हम क्या उम्मीद रखें? पर एक बात मैं त्रिपुरा के लोगों को कहना चाहती हूँ, आप लोगों का अगर समर्थन रहा, पुलिस फोर्स कितनी है और ये बीजेपी के गुंडे कितने हैं और त्रिपुरा की जनता कितनी है, जब जनता हमारे साथ है तो पुलिस को भी बताएगी और सरकार को भी बताएगी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी है। विप्लव देव को चैलेंज करती हूँ, इलेक्शन में वोट पे हमारे साथ लड़िए, डंडे से नहीं लड़ाइए। ये महात्मा गांधी का देश है, ये गॉडसे का देश नहीं है, ये नथुराम गॉडसे का देश नहीं है, ये महात्मा गांधी का देश है। बीजेपी